11th स्पॉट पे एलिमिनेट होती है 3 किल के साथ. एंड व्हाट अनफॉर्चुनेट वे टू एंड देयर जर्नी. जेनोसाइड यहां पर ओके. यहां पे जो टीम टैमिलाज है बड़ी गलत तरीके से उन्हें क्लैश इन किया, वो भूल के की गई और साइड से भी उनको गोली पड़ सकती है. बट फनाटिक के पेज निकलेंगे वहां पर और उनको डैमेज देने की कोशिश करेंगे. यहां पे ओवेस नॉकआउट हो चुके हैं और एक ही प्लेयर ने दोनों प्लेयर कैसे खा लिया यहां पर. एश यहां पे से थर्ड पार्टी भी वो लोग हुए. एंटो ने वहां पे आखिरी प्लेयर खाया था एंड एनकोर ने वहां पे गॉडल स्मोकी को पूरा फिनिश करा. एंड और एंटो का जो थर्ड पार्टी हुआ था पीछे से वो थोड़ा सा अलग देखने को मिला. बट यहां पे मार्कोस गेमिंग अभी फिलहाल ये वाला शेक होल्ड करेगी. एंड फनाटिक गॉट एलिमिनेटेड ऑन 7th और 8th में भी. मैक्स क्रश ने वहां पे एस्टेक के किल्सम को पूरा फिनिश करा. बट फिलहाल यहां पे फनाटिक आज वार्ड बाहर हील कर रही है, कुछ प्लेयर्स को रिवाइव भी मिल रहा है. बट ये जो ब्लू हाउस है वहां पे मेगा पूरा एक कंपाउंड होल्ड करके बैठे. राइट साइड से सेल्स के आतंकी प्रोन डाउन है. सामने वीएसजी क्रॉलर के सीजी जो कि एक्स फैक्टर बन के आते हुए अपनी टीम को पीएमपीएल के लिए क्वालिफाई करा चुके हैं ऑलरेडी. यू कैन से एंटो वहां पे नॉकडाउन है, सूर्या ने नॉकडाउन करा है. अब क्या रशियन देखने को मिल सकता है बिकॉज स्मोक बॉल्स बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी जीरो है. अगर स्क्वाड हाउस से बाहर किसी को देखना हो, पान सिंह एक या दो ग्रेनेड वहां पे ऊपर बन सकते हैं. बट फिलहाल यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में उनको पता है एक प्लेयर वहां पे नॉकडाउन था. एंटो को करेंगे फिनिश फ्रॉम दोज रैंडम M762 स्प्रे. एंड बाहर अभी जो फाइट चलेगी, सेल्स का स्क्वाड है, तीन प्लेयर जिंदा एक्जिस्टेंस वहां से आएंगे. बट वहां पे वेक्सी ने नॉकडाउन करा है एमजीजेड के द डूड को, डूड को फिनिश भी करा. एनकोर ने एक और ग्रेनेड फेंका था वहां पे, सूर्या को नॉकडाउन करा, पान सिंह भी नॉकडाउन. अब मैक्स क्रश आखिरी प्लेयर बचे हैं. मेगा स्टार्स ने क्या कम बैक करा यहाँ पे, वो जो थ्रोएबल्स है उनके थ्रू अब क्या यहाँ पे पुश करते हुए नजर आएंगे कि नहीं, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन है वहां पे. बट सूर्या को फिनिश करा वहां पे विद दैट मोलोटो अगेन. पान सिंह को यहाँ पे रिवाइव मिलेगा कि नहीं, मैक्स क्रश वहां पे उनके पास आ चुके क्लोज इन करने के लिए. बट फर्स्ट फ्लोर से ऑरेंज रॉक नहीं हटने वाली, एमजीजेड का पूरा कंट्रोल है यहां पे ग्राउंड फ्लोर पे इस वाले स्क्वाड हाउस का. मुझे ऐसा लग रहा था कि यहां पे जो लड़ाई है वो क्वालिफाई होने की, बट यहां पे ऐसी लड़ाई हो रही है कि कौन टॉप पे फिनिश करेगा. बिकॉज ऑरेंज रॉक, मार्कोस और मेगा स्टार्स ये तीनों ही टॉप कंटेंडर्स हैं और ये तीनों आराम से नंबर वन पोजीशन हासिल कर सकते हैं. हाई चांसेस मेगा स्टार्स के लगते हैं बिकॉज मेगा स्टार्स ने बैक टू बैक आज का दिन काफी खूबसूरती से खेला है. बट सेल्स अभी भी काफी ज्यादा पैसिव खेलती है, वो बिल्कुल शोर पे है और कुछ वीएसजी के प्लेयर्स हैं जो वो भी बिल्कुल आराम से कोने पे एजेस में होल्ड कर रहे हैं और वेट करें कि सर्कल किस तरीके से रोटेट करता है. इतना छोटा सर्कल हो चुका है, 7 सर्कल कंप्लीट हो चुके हैं, 25 मिनट गेम में हो चुके हैं, फिर भी हमारे प्लेयर्स यहां पे कम होने का नाम नहीं ले रहे. 6 टीम और 13 प्लेयर्स, यहां पर एक भी टीम नहीं जिसके चारों प्लेयर्स जिंदा है. यहां पे गॉडल के कैरी ने यहां पर आतंकी को नॉकआउट किया, वहां पे मवी ने एग्जिस्ट को नॉकआउट किया और कैरी ने कंप्लीट करी आतंकी की किल. अब एग्जिस्ट धीरे धीरे रिवाइव होने के लिए आने की कोशिश करेंगे, बट गॉडल कैरी क्या इनको रिवाइव कर पाएंगे. बिकॉज अच्छा मौका सेल्स के पास है, वो नीचे आराम से उसको बैकअप कर सकते हैं. उन्होंने रिलोड किया, अब रिवाइव करेंगे यहाँ पर. एग्जिस्ट फिर से गेम के अंदर उठेंगे और फिर से चिकन डिनर की तरफ एक नई रेस लगाएंगे. वहीं पे मेगा स्टार्स के तीन प्लेयर जिंदा है और सारी टीम अब दो दो और एक रॉक के दोनों प्लेयर बालकनी में होल्ड कर रहे हैं. बट दूसरी साइड पे मार्कोस गेमिंग के 5 सेकंड मैच देख रहे कितनी जल्दी अंदर आएंगे. बट वहां पर सेल्स का स्क्वाड पूरा एलिमिनेट हो चुका है विदाउट एनी किल्स विद #5 पोजीशन. गॉडल के दो प्लेयर जिंदा, कैरी एंड एग्जिस्टेंस, वो भी कितने टाइम में अंदर आएंगे विद इन स्प्लिट सेकंड हमें पता चल जाए. बट मेगा का स्क्वाड ने वो ब्लू हाउस बहुत बेहतरीन होल्ड करा था. यहाँ पे उनको स्पॉट तो हो रहे हैं 5 सेकंड दो प्लेयर, बट यहाँ से उनको डैमेज ज्यादा लेना पड़ेगा मार्कोस गेमिंग के प्लेयर को. जंप एंड शूट की ट्राई तो कर रहे हैं, दलजी थोड़ा सा फ्री फायर दे रहे थे, बट ये एक जो फाइट रहेगी मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन रहेगी. अगर यहाँ से बाहर भी कूदे तो मेगा स्टार्स का स्क्वाड पूरा जिंदा है एंड वो लोग अपना एडीएस खोल के बैठे रहेंगे फॉर फ्री किल्स. एंड यहाँ पे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स जितना पेशेंटली वेट कर सकते हैं, 10 सेकंड बचे हैं बस, इसके बाद जोन ऑलरेडी क्लोज इन होता हुआ नजर आएगा. यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट कर दिया दलजीत की तरफ, वह भी चाहते हैं कि उनका जो प्लेयर है दलजीत वो अब हील बैटल की तरफ ही कोशिश कर सके. बिकॉज ऑरेंज रॉक के नजरों में एक चीज है कि दे जस्ट वॉन्ट ट्राई फॉर नंबर वन स्पॉट, बट यहाँ पे थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट दिखाया. यहाँ पे मवी ने कोशिश कर रहे थे डैमेज देने की, बट यहाँ पे दलजीत कोशिश कर रहे हैं बट वो प्ले जोन का शिकार हो गए. हीलिंग वॉल भी यहाँ पे फेल होगी उनकी और फोर्थ पोजीशन पे निकलती ऑरेंज रॉक 7 किल के साथ. दिस सिचुएशन इज 3v2v2. बट वहाँ पे पान सिंह यहाँ पे क्लोज इन करते हुए वहाँ पे विक्सी को नॉकडाउन में फिनिश करा. पान सिंह ने एक और इंपॉर्टेंट किल यहाँ पे निकाला है, बट बाहर पैराडॉक्स एंड एनकोर उनके लिए रेडी रहेंगे. बट वहाँ पे मैक्स क्रश अपना किल दे बैठे हैं सामने गॉडल के प्लेयर्स को. एंड यहाँ पे जोन बना था पूरा गॉडल के ऊपर, एग्जिस्टेंस एंड कैरी बाहर, दे आर ऑन अ हंट ओवर देयर. बट यहाँ पे पैराडॉक्स नॉकडाउन एंड फिनिश होते हुए नजर आएंगे जल्दी. बट मार्कोस गेमिंग गॉट एलिमिनेटेड ओवर देयर. बट वहां पे वापस से एग्जिस्टेंस आते हुए एंड फाइनल किल निकाला उन्होंने, पीएमसीओ का इंडिया रीजनल फाइनल्स. गॉडल